ये सबसे बड़ा मिथ है जो हम सबके माइंड में आता है कि मेडिटेशन स्पेशली उन लोगों के लिए है जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से हैं या जो रिलीजियस पीपल हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मेडिटेशन हर किसी के लिए है जो अपने माइंड को शांत रखना चाहता है, जो अपने माइंड को फोकस रखना चाहता है, जो अपनी कंसंट्रेशन पावर बढ़ाना चाहता है, जो अपनी मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग करना चाहता है, जो मेंटली फिट होना चाहता है, जो प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहता है, जो अपने काम में 10x ग्रोथ करना चाहता है, उसको मेडिटेशन करना चाहिए। और ये सब चीज़ हर कोई चाहता है, राइट? बट वो बात अलग है कि बहुत सारे लोगों को उसके बारे में पता ही नहीं है। पता भी होता है तो डरते हैं, उनके माइंड में यही क्वेश्चन आता है कि ये चीज़ मेरे लिए कोई है? ये तो जो स्पिरिचुअल लोग हैं, जो रिलीजियस लोग हैं, उनके लिए है, साधु महात्मा लोगों के लिए है ये चीज़ तो, है ना? जो घर छोड़ चुके हैं, जो अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, मोह माया छोड़ चुके हैं, उनके लिए है ये चीज़, मेरे लिए कोई है ना? ये गलत है, ये सबसे बड़ा मिथ है। अगर आप सच में लाइफ को अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं ना, सच बता रहा हूँ, अगर लाइफ को खुलकर जीना चाहते हैं तो मेडिटेशन को प्लीज अपना लो, जितनी जल्दी हो मेडिटेशन को सीख लो। मैं हर वीडियो में इसके बारे में इसलिए फोर्सफुली बात कर रहा हूँ क्योंकि इसने मेरी जिंदगी बदल दी, सही बता रहा हूँ। देखो, दो तरीके हैं लाइफ में, या तो एक है कि आप चल ही रहे हो, लाइफ का एक्सप्लोर ही कर रहे हो, चल ही रहे हो, परेशान होके चल रहे हो, आप समझ रहे हो, आप लाइफ में आप जी नहीं पा रहे हो, आप परेशान होके लाइफ में जी रहे हो। और एक है आप हर मोमेंट को एंजॉय करके जी रहे हो, आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपके पास चैलेंजेस आ रहे हैं, आप एक चैलेंज की तरह ले रहे हो, आप एक खेल की तरह ले रहे हो लाइफ को, आप बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं ले रहे हो लाइफ को। ये मेडिटेशन आपको सिखाता है। मेडिटेशन, बिलीव मी, आपको कोई स्पिरिचुअल या रिलीजियस पीपल नहीं बनाएगा मेडिटेशन, बल्कि आपको एक इंसान बनाएगा। इसलिए आप बिलीव नहीं करेंगे, आज जो लोग टॉप पर हैं, जो लीडर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनी के सीईओज हैं, जो बहुत बड़े ऊंचे लेवल पे हैं, क्योंकि उनको पता है यार कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी चलानी है, मुझे इतनी बड़े लोगों को हैंडल करना है, तो मैं कैसे करूंगा? आप खुद सोचो, हम अपनी प्रॉब्लम्स को हैंडल नहीं कर पाते, हम अपनी फैमिलीज में प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाते, वो लोग इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं कैसे? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग है, क्योंकि वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग है, उन्हें समझ में आ गया कि मेंटली स्ट्रांग कैसे हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन करते हैं वो डेली बेसिस पे, जिससे उनका फोकस भी बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ रही है, और वो लाइफ में ग्रो करते जा रहे हैं और लोग उन्हें जानते हैं। तो आप एक नॉन पर्सनैलिटी बनना चाहते हैं या अननोन, कि आप आए और ऐसे ही चले गए, दुनिया में आए और आप ऐसे ही चले गए, आप ऐसा चाहते हैं, या आप ऐसा चाहते हैं कि आए और आपने कुछ कुछ वैल्यू क्रिएट करी लाइफ में, है ना? आपने, आपकी थ्रू किसी लोगों की लाइफ इम्पैक्ट हुई, मेरा मानो तो यही है, यही लाइफ है। आप आए, खाए, पिए और चले गए इस दुनिया से, ये लाइफ नहीं है। आप आए और आपने कुछ वैल्यू दी लोगों को, इम्पैक्ट करी, और आपकी वजह से अगर एक इंसान की भी लाइफ चेंज हुई ना, तो मैं सोचता हूँ यही जीवन है, यही मैं जो समझ रहा हूँ यही लाइफ है ना? पैसा कमाना बहुत जरूरी है, सब चीज़ें बहुत जरूरी हैं, लेकिन दूसरों को भी ध्यान रखना, यानी कि उसके बारे में भी सोचना बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं है पैसे से सोचना, लेकिन एज ए ह्यूमन बींग हमें सोचना बहुत जरूरी है, और वो तभी होगा जब हमारे अंदर कंपैशन आएगा, जब हमारे अंदर एक एक अलग चीज़ आएगी, और वो मेडिटेशन से ही आ सकती है। नहीं तो इंसान इंसान को मार रहा है, आपने देखा होगा, हर कोई अपने बारे में सोचे जा रहा है, हर कोई अपने बारे में किसी को दूसरे की पड़ी नहीं है उस दुनिया में। तो ये हमारे लिए अलार्म है, ये हमें समझना है कि मेडिटेशन हर किसी को करना ज़रूरी है। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, आप लाइफ में इम्प्रूव करना चाहते हैं, आप बहुत बड़ा कुछ करना चाहते हैं, तो मेडिटेशन आपको करना ही पड़ेगा।